नमस्कार, डॉक्टर जाकिर नायक नाम के आगे डॉक्टर लगाए और बताते हैं अपने आप को MBBS डॉक्टर, लेकिन बात करते हैं 10वीं फेल वाली। इन्होंने पहले बोला पाकिस्तान की सोसाइटी को बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहले इन्होंने बोला कि एक लेडी जो कि अनमैरिड है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो बजारू है, और वो भी पाकिस्तान में बोला। पाकिस्तान में बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन हो रहा है इस पर, पाकिस्तान की लेडीज। अच्छा, पाकिस्तान खुद भी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी ऐसी लैंग्वेज बोलते थे, तो चलता है। पाकिस्तान में भी अराजकता कुछ ज्यादा हो रही है और ये वहां जाके बढ़ा रहे हैं। ये बाहर का आदमी, अंदर का आदमी कुछ भी बोले मैं मान सकता हूँ, भाई अपने कंट्री का आदमी अब हम देख लेंगे। बाहर का आदमी जाकर के उस सोसाइटी को बिगाड़ रहा है। अब इन्होंने बोला कि एक लेडी के साथ रेप हो रहा है और उसने इस्लामिक कपड़े नहीं पहने, तो लेडी की गलती है। दैट मीन्स जिस भी लेडी ने बुरका नहीं पहना हुआ उसकी रेप का लाइसेंस दे दिया इन्होंने, इन्होंने परमिशन दे दी कानून से, इस्लामिक शरीयत के हिसाब से, कि जिसने भी बुरका नहीं पहना है वो फ्री है, बजारू है, उसका आप रेप कर सकते हैं कहीं पे भी। ये परमिशन जाकिर नायक होते कौन है देने वाले, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मुजफ्फर चौधरी। मुजफ्फर चौधरी जी को आप जानते हैं, पाकिस्तानी है, अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और एक जैसे बोलते हैं एक्टिविस्ट भी है। और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, PhD हैं और एक लंबा एक्सपीरियंस है इनके पास, कई कंट्रीज में रह करके ये पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, इस्लामिक कंट्रीज में भी रहे हैं, क्रिश्चियन कंट्रीज में भी रहे हैं, बुद्धिस्ट कंट्रीज में भी रहे हैं, तो एक लंबा इनके पास एक्सपीरियंस है, पहाड़ से लेके समुद्र तक हर जगह रह चुके। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। अच्छा, पहले जाकिर नायक ने बोला क्या ये सुनवा दें तो अच्छा रहेगा, फिर उसके बाद हम इसका तबसरा करेंगे। इफ हाइपोथेटिकली यू रेप अ गर्ल एंड यू मर्डर हर एंड इफ द कोर्ट ऑफ लॉ इन दिस वर्ल्ड कैन नॉट प्रूव एंड देन यू ट्रूली रिपेंट विल अल्लाह फॉरगिव यू एंड यू से मोस्ट प्रोबब्ली अल्लाह फॉरगिव यू एंड यू राइट। इफ यू हैव कमिटेड रेप and murder, and if you truly repent and ask for forgiveness, as I told, there are five criteria required for forgiveness. Number one is you admit what you have done is wrong, that the sin that you have done is wrong, admit it. Number two, see to it that you stop it immediately. Number three, see to it that you don't do it again. Number four is that you ask forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. If all these criteria are fulfilled, inshallah, I'll forgive you. Even if you have committed rape, which is a major sin, and if you have committed murder, it's a major sin. But if you truly repent, Allah will forgive you. As we know, Allah is the Rahman Rahim. Now, coming to your second question, that is this not injustice to the girl who was raped and murdered? And I would say no. Because both the person who raped is undergoing a test in this world, the person who was raped also is undergoing a test. And let me explain to you that Allah has given guidelines to the woman that they should dress up modestly, they should cover their complete body, except those parts can be seen that is the face. Now, if after giving all these guidance, and hypothetically, if that girl doesn't dress up modestly, she is dressed up immorally, which people get excited and the rape is done, who's to blame? It is even the girl to blame. That doesn't mean that the boy has a right to rape. But besides the boy who committed the rape and murdered, it is the girl who also has to follow the guidelines of the Quran. If she wore obscene clothes because of which the rape took place, then she is responsible. But if she wore normal clothes and yet if the person rapes, then it is a test for the girl. For the girl, was she following the advice of Allah subhanahu wa ta'ala by wearing appropriate clothes or not? If she was not, then she is to blame to attract the men to rape her. Muzaffar bhai, इन्होंने पाकिस्तान में जितने भी आवारा लड़के हैं, गुंडे हैं, उनको एक राइट तो दे दिया कि जो भी महिला, जो भी लेडी और बुरके में नहीं है उसके साथ आप रेप कर सकते हैं, उसकी गलती है आपकी नहीं। क्या कह सकते हैं इनकी सोच को, ये सेम सोच है, ऐसी सोच जब हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि जो रेप की मेन जो वजूह है, जो रीजन है, वो ड्रेसिंग है, जो गर्ल्स ड्रेसिंग कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और जो रेपिस्ट उनको इनवाइट करने वाली वो बात करती है। तो सेम ये वही माइंडसेट है कि जो इन्होंने हमारी सोसाइटी को किया, हम ऑलरेडी ख़राब हो चुके हैं, इन्होंने उसको मज़ीद बढ़ाने की कोशिश की है, इनको मज़ीद
जो है वो बढ़ावा देने की कोशिश की कि आप खुल के जो मर्जी करें, आप बाद में माफ कर देगा। और जो मेन जो मुद्दा लड़की जो है वो अच्छी नहीं है। अभी हाल ही में एक आपने वाकया सुना होगा, मोटरवे के ऊपर एक कार के अंदर लड़की जा रही थी, उसको रोका गया वहां पर और रेप किया गया। तो जब उसका रेप हुआ तो बाद में पुलिस ऑफिसर्स और जो हमारे मिनिस्टर्स वगैरह थे उनकी तरफ से स्टेटमेंट, पता क्या आई, स्टेटमेंट ये आई कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी कि रात को इतने बजे आप मोटरवे पे गाड़ी पे जा रही हैं, अकेली जा रही हैं। तो बजाय ये कि ये कहना कि उसको रोका गया वहाँ पर, उसका रोड के ऊपर रेप किया गया और उस रेपिस्ट को बुरा भला कहा जाए, तो यहाँ पर उस लड़की को बुरा भला कहा गया कि इतने बजे अकेले नहीं निकलना चाहिए। बात है कि जो ड्रेसिंग है वो उसके बिना पर आप रेप कर सकते हैं। तो मैं आपको लिटरली आपको मैं बताऊं कि मैं जो पाकिस्तान का जो इस वक्त मुआशरे की हालात है, हम कहने के तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, लेकिन जो जो मुअज्जज़ फैमिलीज़ हैं, जो लोग जो इस चीज़ों से बचना चाहते हैं, वो अपनी फैमिलीज़ को गैदरिंग में लेके नहीं जाते। अब यहाँ पर कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी इस तरह की जहाँ पर गैदरिंग हो, यकीन माने कि हमें बच्चे भी कहते हैं, बाकी फैमिलीज भी, हम जैसी जो बाकी फैमिलीज हैं वो भी कहते हैं कि जी चले वहाँ पर जाकर हम जो है वो शो को देखते हैं। लेकिन यकीन माने कि जो हमारा मुआशरा इस कदर इसके अंदर जो ये समझे कि चीज़ हो चुकी है कि वो बिल्कुल ध्यान ही नहीं करता कि फीमेल की रिस्पेक्ट ना होने के बराबर है, कि वो कोई पर्दे के अंदर है या नहीं है वो अलग बात है। हालांकि हम जो है वो पर्दे का ध्यान रखते हैं, अगर हमारे फैमिली जाती हैं तो चादर या दुपट्टा से अपने जिस्म को ओढ़ा होता है, उसके बावजूद हमें डर होता है, हमें खौफ होता है कि कोई हमारे साथ कोई इस तरह की बदसलूकी ना हो जाए, हमारी फैमिली के साथ कोई छेड़खानी ना हो जाए। तो ये जो इस वक्त जो इस तरह के बयानात देना, इस तरह की बात करना और इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देना और उसका जो पूरा का पूरा इल्ज़ाम और पूरा की पूरी जो जिम्मेदारी है वो फीमेल के ऊपर डाल देना, लड़की के ऊपर डाल देना कि जी उसकी जो ड्रेसिंग सही नहीं है लिहाजा उसको आप छेड़ भी सकते हैं, उसके साथ आप रेप भी कर सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। तो मैं आपको ऐसी वीडियोस भी दिखा सकता हूँ, कराची के अंदर अभी पिछले हफ्ते वाकया हुआ है, एक अबाया के अंदर एक लड़की जा रही थी, उसको सीसीटीवी जो कैमरा है उसके अंदर वो आई थी फुटेज, उसको सड़क गली के अंदर रोक कर एक जो एक दाढ़ी वाला, मैं शर्मिंदगी से बोल रहा हूँ कि उसने उसको वहाँ पर छेड़ा है, वो हालांकि अबाया के अंदर, उसका तो जिस्म नज़र नहीं आ रहा था, उसके तो कपड़े नज़र नहीं आ रहे थे, उसने तो अबाया पहना था, उसके साथ फिर कि ऐसे क्यों हुआ? ये कहना कि जी जो लड़की जो है वो उसकी ड्रेसिंग ऐसी होगी, जो दुपट्टा नहीं लिया या जो इस तरह के लिबास पहनती है उसके साथ जो है वो ऐसा होता है, यहाँ पर तो जो पहना होता है जिसने जिसको हम बुर्का बोलते हैं, उसको हिजाब बोलें, जो जिस जो मर्जी नाम दे दें, तो उसके अंदर भी जो लड़की को नहीं हमारा माशरा जो जीने देता है उसको इतनी आज़ादी नहीं कि वो अकेली किसी बाज़ार चली जाए, कहीं पर कोई शॉपिंग करने चली गई, कोई सब्ज़ी घर में, किसी को मजबूरी भी होती है कि वो घर से बाहर, कोई शौक से नहीं जाता, कोई मजबूरी के तहत भी जाता है कि चलो सब्ज़ी घर में कोई लेने वाला नहीं है, सब्ज़ी लेने चले गए या ऐसे। तो ये तो एक आप पता नहीं कौन सी ये डॉक्टर जाकिर नायक साहब किस दुनिया के अंदर रह रहे हैं, किस माशरे का वो तस्वर ये बयान कर रहे हैं कि जहाँ पर ये है कि आपने दुपट्टा सही नहीं लिया तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपने अगर लिबास इस तरह का जीन्स पहनी है तो आपके साथ कोई आपको उठा के ले जाके जो मर्जी कर ले और उसके बाद में आप माफ़ी मांग ले, आपकी जान भी छूट जाएगी और इल्ज़ाम सारा वो है वो लड़की के ऊपर लग जाएगा। तो कौन सी ये दुनिया है, कौन सा ये इस्लाम है जिसकी ये प्रीचिंग करते पहले पहले इंडिया के अंदर इन्होंने किया, पाकिस्तान के अंदर एक पहले से ख़राब माशरे को फिर से मज़ीद ये उसको मज़ीद ख़राब करने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनको मुझे समझ नहीं आती कि हमारी जो हुकूमत है उसने स्टेट गेस्ट की हैसियत दी क्यों थी, कौन से हमारी कमी थी। 52,000 के करीब हमारे इस मुल्क के अंदर मदरसे हैं जहाँ पर हर साल हज़ारों की तादाद में जो है वो आलिम बन के निकलते हैं, हाफिज़ कुरान बन के निकलते हैं, और अब ऊपर से उनको मज़ीद उनको उनका दिमाग जो है वो जो और उसके अंदर तेज़ी लाने के लिए ये डॉक्टर जाकिर नाइक जैसा एक बंदे को यहाँ पर लाया गया है। मैं तो उनकी जो जो उसकी सोच है, जो अपने आप को कहता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा स्कॉलर हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ,
तो मुझे तो अफसोस होता है कि उसकी जो सोच है, जो उसका माइंड सेट है, वो तो मैं, मेरे ख्याल में एक जो पाकिस्तान का लो लेवल का एक बंदा है उसके बराबर भी मैंने सीखा। तो ये इस चीज़ को क्यों बढ़ावा दे रहा, क्या वो करना चाह रहा है, कि उसकी नीयत के अंदर क्या फतूर है, कि मुसलमानों को वो किस हद तक ले जाना चाह रहा है। और पहले ही यहाँ पर देखें जो एक इसकी जिंदा मिसाल ये है कि हिंदू बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, कि किस तरीके से उनको उठाया जा रहा है, 10-10, 12-12 साल की बच्चियों को उठाकर उनको वोट कन्वर्ट किया जा रहा है। वही उसके ऊपर आवाज़ उठाने वाले, उसके ऊपर भी आवाज़ उठा लो। आप सिर्फ इस्लाम के या मुसलमानों के ठेकेदार नहीं, अगर मुसलमान को गलत काम कर रहा है उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं आप, कि जो 25% जो पाकिस्तान के अंदर एक माइनॉरिटी के लोग थे वो किधर गए, उनकी बच्चियों को क्यों उठाया जा रहा है। अभी भी जो हमारी रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है, उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर हर रोज़ 3 जो माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियाँ, उनको अगवा किया जाता है और उनको वोट किया जाता है। और जो ऐसी खबरें जो रिपोर्ट ही नहीं होती, तो ये पता नहीं कौन सी सोच है, क्या ये करना क्या जा रहा है, इसके जहन में है क्या कि ये कौन से चीज़ को ये पाकिस्तान के अंदर इसका बढ़ावा देना चाह रहा है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये राइट टू रेप जो इन्होंने दिया है, ये राइट टू रेप मतलब किसी लड़की ने बुर्का नहीं पहना तो बुर्का ही तो है ना इस्लामिक, या तो मतलब बिकनी तो बोल जाइए, जीन्स भी नहीं, कोई लड़की जीन्स पहन के जा रही है, पैंट पहन के जा रही है, और क्या सलवार कुर्ता जो इस नॉर्थ इंडिया में और पाकिस्तान में 90% के, वो भी इस्लामिक ड्रेस नहीं, वो भी इस्लामिक ड्रेस नहीं, सिर ढका होना चाहिए ये पक्का है, ठीक है ना। तो इस सलवार कुर्ते में बहुत सारी लड़कियां, 95% लड़कियां अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस पाकिस्तान, अक्रॉस इंडिया, सिर नहीं ढक रही, ठीक है। तो 95% लड़कियों की रेप का लाइसेंस दे दिया गया है। दूसरी चीज कि आप अल्लाह से माफी मांग लीजिए, ये कौन बताएगा कि अल्लाह ने माफ किया कि नहीं? अल्लाह देखिए ऐसा है दादा कि सिंस मैं लॉयर हूँ तो मैं रेप को समझता हूँ कि रेप है क्या। सारी दुनिया में रेप इज अ क्राइम जिसके दो मेन एलिमेंट हैं, कंसेंट टू हैव सेक्स एंड विलिंगनेस टू हैव सेक्स। यही दो आपके इनक्रिमिनेटिंग रिक्वायरमेंट हैं रेप को एज अ क्राइम प्रूव करने के लिए, बाकी कोई सेक्स क्राइम नहीं है। अगर एक लड़का एक लड़की से उसकी इच्छा के साथ और सेक्स करते हैं दोनों, वो क्राइम नहीं है। और आपको एक और बात बता दूं, यदि एक लड़का एक लड़की से जो कि 16 साल से कम की है उसकी इच्छा के साथ सेक्स करता है तो भी रेप है, ये भी जान लीजिए। तो मान लीजिए आप 24 साल के, आपने एक किसी कोई 24 साल का, उसने एक लड़की पटाई, वो 15 साल की है, वो देखने में पता नहीं चला था कि लड़की 15 साल की है, मगर वो आपको अगर उसने हाँ भी कहा है, आप सेक्स में चले जाएंगे, रेप में चले जाएंगे। जाकिर नायक जो है वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रेप को रेप कह रहे हैं। यहाँ पे कंसेंट की कोई जगह नहीं है, क्योंकि वो स्लेवरी और स्लेव सेक्स को भी अप्रूव करते हैं। तो सेक्स का जो मेन रिक्वायरमेंट है बिटवीन मेन एंड फीमेल, दैट इज द कंसेंट टू बी गिवन बाय द गर्ल, वो क्राइटेरिया वो नहीं ले रहे। वो क्राइटेरिया ले रहे हैं कि तुमने कपड़े नहीं पहने, तुम यहां घूम रही थी, रात को घूम रही थी, शाम को घूम रही थी, ये वो कर रही थी, ना महरम हो, महरम हो, पता नहीं क्या क्या वो कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। अब उन्हीं के परम मित्र हैं मौलाना साहब हैं, वो फतवा दे रहे थे कि कहीं भी सुनो अगर तुम गुस्ताखी, वहीं उसको काम तमाम कर दो। अब वो सारी दुनिया टीवी पे बैठ के ये कह रहे हैं भाई मेरी इल्मी गुफ्तगू को समझो, जरा मेरे इंटेंशन में क्या था और जो मैंने कहा क्या, इंटेंट एंड कॉन्डक्ट में बड़ा अंतर होता है, नियत और फिजिकल एक्ट में बड़ा अंतर होता है। उनको ये नहीं पता है कि देर आर लॉज विच सेज दैट योर इंटेंट इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस इफ द एक्ट हैज बीन मेड क्रिमिनल। आपकी नियत जो भी रही हो, अगर एक्ट क्रिमिनल है तो फिर क्रिमिनल है, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी। अब पॉइंट ये है कि क्या रेप के लिए कपड़े डिटरमाइन करेंगे, क्या रेप और या कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है। वो मान लीजिए रेप में ये होता, भाई रेप को रेप क्या मिलाता है कि भाई उसने कंसेंट नहीं दिया, वो कह रहे कंसेंट का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कंसेंट गया बाई फुट,
वो सेक्स कर लो उसके साथ जस्ट बिकॉज तुम्हारी नजर में वो इस्लामिक कपड़े नहीं है। हाँ, यही बात एग्जैक्टली मैं यही पूछ बोल रहा था कि ये आपकी नजर में इस्लामिक नहीं है ना, हो सकता है दूसरे की नजर में हो। भाई लोग आज के डेट में ब्लास्फेमी के नाम पे क्या कर रहे हैं, अपना पर्सनल स्कूल सेटल कर रहे हैं, बोल देते कि भैया इसने ब्लास्फेमी की, वही होगा बहुत बढ़िया राइटेंस दिया इन्होंने, रेप कर लो बोला कि अरे यार लड़की ने कपड़े ठीक नहीं पहने थे गुरु, हमारा मन आई क्या साले को, हमने कहा दबोच ले हो हमें तो माफ लेंगे, माफी मांग लेंगे बाद में। ये है, ये जुरिस्प्रूडेंशियल नॉलेज है, नॉलेज। रेप में कंसेंट और विलिंगनेस दो अलग अलग चीज है, कई बार लड़की कंसेंट देती है वो विलिंग नहीं होती, जो सभ्य समाज है वो विलिंगनेस को भी इंक्लूड करते हैं। जैसे मैं आपको एक केस बताऊं क्या हुआ कि एक लड़की थी वो 18-19 साल की रही होगी, वो भाग गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ गांव से, गांव दोनों माँ बाप ने जाके पुलिस में FIR करा दी, लड़के लड़की भागे थे, पैसा खत्म हो गया, गांव वापस आ गया, तो लड़की ने जो है वो गांव पुलिस थाने ने दोनों को पकड़ लिया, उसके बाद दोनों के परिवार को बुलाया, लड़के के परिवार को लड़का दे दिया कहा जाओ, लड़की का परिवार को बोला तुम आओ, बोला लड़की तो हमने तुम्हारी छोड़ दिया, वो घर पहुंची होगी, जाओ घर पे मिल लो। वो घर पहुंचे देखे लड़की नहीं थी, उसके बाद देखे कि उसका वही रेप हो गया था थाने में। तो अब उसमें क्या हुआ कि इंडिया में जो जज साहब थे उन्होंने बाकी दो लेवल पे यानी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में और हाई कोर्ट में तो उसको कन्विक्शन हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको चेंज कर दिया था क्योंकि उसने ये कहा कि भाई अगर ये लड़की सेक्स कंसेंशुअली नहीं कर रही होती तो ये छटपटाती, चीखे मारती, ये जो है न कोटती, कुछ करती, उसके बॉडी पे कुछ तो ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइबल जो है वो मार्क्स होते विच वुड हैव सेड कि भाई कंसेंट तो एक वो है ना आपका सब्जेक्टिव क्राइटेरिया, कैसे पता चलेगा आप कंसेंट दे रही है कि नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कंसेंट नहीं दे रही थी, इसका एक ही तरीका है कि वो उसका छाती नोच लेती, बाल नोच लेती। अब उन्होंने कह दिया कि इसलिए इसका जो सेक्स है वो कंसेंशुअल माना जाएगा, लड़की को जो है वो सारे पुलिस वालों को छोड़ दो, पुलिस वाले ही रेप किए थे साले को। अच्छा, उसके बाद जो है लोगों ने पूछा कि ये बताइए अगर कंसेंट ही सब कुछ है तो फैक्ट क्या था, वो अपने प्रेमी के साथ भागी थी, मान लीजिए वो प्रेमी के साथ भागी, थाने में आई और वहां पे 3 पुलिस वालों को देखी और पागल हो गई उनके प्यार में, भाई ये होए 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 होए, मर्द तो बस यही है। और उसके बाद उसने कहा कि सेक्स भी आज ही करना है, प्यार में अभी 10 मिनट पहले हुआ है, अभी के अभी सेक्स कर लो मेरे साथ। और चलो वो पुलिस थाने की बाथरूम में जहां पे ये सब कांड हुआ वो बाथरूम था, इतना गंदा उतनी बदबू आती है, क्लीन भी नहीं होता, वहां कहीं की सेक्स उसके अंदर इतनी आग लग गई ये कामदेव को देख करके, ये 3 के 3। इसको कहते हैं विलिंगनेस। कंसेंट अगर आप किसी की बंदूक कोपड़ी पर रख दीजिए, बोले चुपचाप से भैया जो कह रहे हो करो, बड़ी खुशी से करेगा और भाई साहब वो थैंक यू भी करेगा आपको, और जाने के बाद 2 घंटे बाद फोन भी करेगा, भैया ठीक पहुंच गए हो ना लूट के हमको, क्योंकि वो डर होता है। विलिंगनेस इज डिफरेंट फ्रॉम कंसेंट। तो ये सब एडवांस्ड नॉलेज जो है वो है नहीं, अजम्पशन पे छिछोरी बातें करना कि भैया वो बच्चों की एक लॉ आ गया अब उसको जस्टिफाई करना है, वो तो रिविजिट करना नहीं है। तो ठीक है लड़की ने कपड़े नहीं पहने, अब रेप करते चलो करते, अच्छा एक कितने आदमी करेंगे ये भी रोकनी है, मान लीजिए उसका एक रेप हुआ दोबारा किसी और को लग गया, इसके कपड़े खराब है उसने भी रेप करे वो भी माफी मांग रहा है, एक ही लड़की के साथ 20 रेप हो गए और 20 को अल्लाह माफ कर देगा, ये है माइंड सेट। तो अब आप सोचिए कि मतलब देखिए बात ये ना, बात अल्लाह से नहीं इनको प्यार है, इनको तादाद बढ़ानी है, कन्वर्ट हो जाओ भाई। इतना तुम अगर किसी मर्द को छूट दोगे कि लॉ में तुम यहाँ आओ और भाई बाय द वे ये मुस्लिम महिला के लिए है, नॉन मुस्लिम महिला कंसेंट की भी जरूरत नहीं है, ये भी जान रहे हैं, ये सारी की सारी ज्ञान वो मुस्लिम महिला के लिए दे रहे हैं। अगर तुम नॉन मुस्लिम महिला हो फिर तो जस्टिफाइड है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, वो तो स्वाब का काम है, वो स्वाब का काम है, हाय 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 हिंदू बजा दी, वो स्वाब का काम है, यही नॉलेज दे रहे हैं ना, क्योंकि अल्लाह ने ये कपड़े पहनने का जो जो डिक्टेशन दिया है वो तो मुस्लिम ओ बिलीवर को दिया है ना, नॉन बिलीवर के लिए तो नहीं है। सही बात है, सही तो बाकी तो सब बढ़िया है, यही वो नॉलेज दे रहे हैं साहब बैठ करके लोगों को ये सिखाने के लिए कि भाई चलो अल्लाह की इबादत करो, मस्जिदों में जाओ, पूजा पाठ करो और घर आकर के साधारण इंसान की तरह जीवन बिताओ।
कह रहे नहीं जी हमें तो ये चाहिए। अब आप माफी मांग के रेप को भी करना, अब उनसे पूछिए एक ही लड़की के साथ पांच लोगों ने रेप किया, सबको लग रहे थे इसके कपड़े गलत हैं, तो अल्लाह सबको माफ कर देगा? और वो लड़की हर बार गलत हो रही है, वो लड़की हर बार गलत हो रही है, गलती होने मतलब इस हिसाब से मर्द कभी गलती नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि उसको एक्साइटमेंट हो रही है। सही बात है भाई, वो लड़की को तो एक्साइटमेंट नहीं हो रही है। एक चीज, ये सब इंटरप्रिटेशन गलत है इस्लाम का, और ये गलत इंटरप्रिटेशन इसलिए दिया जाता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा छिछोरे लोगों को अपने साथ जोड़ लूं आप, ताकि वो मुझे फंडिंग कर दें। अगर इतना ही आसान था कि उसके कपड़े गलत थे या आप अल्लाह से माफी मांग ले रेप करने के बाद, तो रेप की पनिशमेंट क्यों लिखी है? शरीयत में पनिशमेंट लिखी है ना जी, तो सब माफी मांग लेते, तो पनिशमेंट क्यों लिखी थी? दादा आपने उनका ओपनिंग रिमार्क, उन्होंने कहा अगर आप कोर्ट से बच गए तो, वरना तो वरना मैं आपको दूसरा आर्ग्यूमेंट दे दूं, फिर तो ये तो डबल पनिशमेंट हो गया, यहाँ भी सजा मिलेगी वहां भी, मैं तो जाके जज से कहूंगा तुम कौन होते हो, मैं तो अल्लाह से माफी मांग लूंगा, ये मेरा अधिकार है, तुम अल्लाह से बड़े जज हो गए हो, मैं कोर्ट में खड़ा होकर ताल ठोक दूंगा, मैंने कहा तुम कौन होते हो, मैंने जज अल्लाह से बातचीत हो गई, मैंने माफी मांग ली, खत्म करो सब केस, अब क्या करेंगे आप? नहीं, वो ये अलाउड है इस्लाम में, ये अलाउड है, अगर मर्डर हुआ किया है और उसकी फैमिली वालों ने माफ कर दिया तो आप मर्डर से। अरे बाबा आप ही नहीं समझ रहे, मैं कह रहा हूँ फैमिली वाला माफी से नहीं, मैं कह रहा हूँ जज को तुम्हारी औकात क्या है। तो वही तो ये बोल रहे हैं, अगर जज ने पनिशमेंट दे ही दी तो फिर अल्लाह वो तो अल्लाह की, वही तो मैं कह रहा हूँ, आपकी सारी शरीयत कोर्ट धरी की धरी रह जाएगी, वो उसने पहले ही, आदमी शातिर है, उसने पहला से, बिकॉज हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्सेप्ट है डबल जियोपार्टी, वन मैन कैन नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, आप एक आदमी को एक ही गलती के लिए दो बार पनिशमेंट नहीं कर सकते। अब मैं बिलीवर हूं, मैंने रेप कर दिया और 10 बार रेप किया, मेरा मन भर गया, मैंने कहा बस, अब उसके बाद मैं गया, मैंने कहा हे अल्लाह मुझसे गलती हो गई, इस लड़की की भी रेप की थी, 6 और पहले कर रखी है, आज से मैं सुधर रहा हूं, अब आपने मुझे पकड़ लिया, इधर आओ साले, तुम्हारा हम शरीयत कोर्ट में अभी तुम्हारी टांगे तोड़वाते हैं, मैं शरीयत के जज के पास जाऊंगा, मैंने कहा मैंने अल्लाह से माफी मांगी, अब आगे बताओ, और मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूं अगर मैं मुसलमान नहीं हूं तो, और अगर मुसलमान, उन्होंने कहा आज ही की अजीब बातचीत हो गई, अल्लाह ने कहा ठीक है बेटा गलती हो गई, अब चलो आगे बढ़ो, अब क्या करेंगे आप? वो कोर्ट की क्या वैलिडिटी है? कोर्ट अल्लाह से बड़ा तो नहीं है, फाइनल जजमेंट तो अल्लाह को करनी है, अब क्या करेंगे आप? वो हेरा फेरी इन्हीं की तो है, वही तो मैं कह रहा हूं कि फैक्ट इज के तो फैमिली का माफ करना, फैमिली का जो माफ करना, जो ब्लड मनी होता है दादा उसमें होता है कि उसका कोई मर चुका होता है, आप किसी के बिहाफ पे माफ कर रहे हो, इसमें मैं ही क्रिमिनल हूं, मैं कोर्ट की वैलिडिटी को चैलेंज कर रहा हूं कि तुम कौन होते हो जब मेरी अल्लाह से बातचीत हो गई कि माफी करो, मैं तुमसे बड़े जज हो और दो बार पनिशमेंट कैसे दोगे? अल्लाह ने मान लो मुझे माफ नहीं किया, ऊपर पनिशमेंट दे दी, फिर मैं ये कह रहा हूं कि शरीयत में एक पनिशमेंट लिखी है रेप की, ठीक है, अब वो पनिशमेंट लिखी है क्योंकि उसको अल्लाह ने ही बोला कि ये गलत काम था, इसकी पनिशमेंट एक दे दी गई, तो ये अल्लाह से माफी का प्रोविजन कहां से आता है भाई? वो उसने पहले ही मांग ली ना, आपके पनिशमेंट देने से पहले ही वो अल्लाह से माफी मांग लिया, बात ही नहीं समझ रहे यार। ये लोग गलत इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं शरीयत में, बहुत आप गलत इंटरप्रिटेशन, दो रूल हैं, आप देखिए अब आपको समझना पड़ेगा लॉ की प्रॉब्लम, दो रूल है, देयर आर टू लॉज, एक कह रहा है कि तुम रेप करोगे तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, दूसरा कह रहा है कि अगर रेप करोगे माफी मांग लोगे तो माफी मिल जाएगी, तो इसीलिए वो बड़ा समझदार व्यक्ति है, उसने पहला सेंटेंस जो कहा आपने वो मिस कर दिया, उसने कहा यदि If you have skipped, तुम रेप करते पकड़े गए और तुम्हें किसी ने शरीयत कोर्ट ने बख्श दिया या नहीं पता किया, और आपको ये भी बता दे रेप के लिए आपको चाहिए डायरेक्ट गवाह जो देख रहे हो कि रेप हो रहा है, हाँ बिना आप चार गवाहों के प्रस्तुत किए आप रेप का शरीयत लॉ में पनिशमेंट भी नहीं कर सकते, और अगर कोई लड़की देख रही है तो उसकी गवाही तो वैसे ही आधी मानी जाएगी, उसको 8 लड़कियां लेके आनी पड़ेंगी, ऐसे नहीं हो जाएगा रेप, आपको डायरेक्ट एविडेंस होना चाहिए कि हाँ जब वो जा रहे थे अंकल तो मैं देख रहा था, भैया तुम क्या कर रहे थे बचाया का ही नहीं, तुम विटनेस की जगह तुम तो वो, अगर इंडियन लॉ लगेगा तो मोर देन अ विटनेस यू आर अ बड़ी परपेट्रेटर यू आर एन अकम्प्लिस कॉन्फ्लिक्ट इन द रूल्स, बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग रूल्स कैसे आप एक साथ सॉल्व कीजिएगा,
देखिए डॉक्टर साहब ने तो सारी चीजें जो है वो लॉ के हिसाब से बताई, लेकिन मैं जो समझाऊं कि जाकिर नाइक ने जो ये चीज कही है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस तरह के रेप के केसेस होते हैं मोस्टली वो लड़कियां या उनकी फैमिलीज हैं वो शर्मिंदगी के मारे उनको हाईलाइट ही नहीं होने देती, वो पुलिस में कंप्लेंट करती ही नहीं है। आपने देखा इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के अंदर तकरीबन मेरे ख्याल में हजारों के करीब लड़कियां ऐसी थी कि जिनकी वीडियोस बनाई गई और उनके साथ रेप किया गया, और उनमें मोस्ट जो फैमिलीज ऐसी थी कि जिनको पता था कि उनकी बच्ची के साथ ये वाला काम हो चुका है, लेकिन वो शर्मिंदगी के मारे वो इस बात के कि कहीं इसकी अगर बाहर भनक लग गई तो इसकी बाद में शादी नहीं हो पाएगी या हम ये लड़की हमारी बदनाम। भाई आपको एक मिनट रुकना, बस क्षमा चाहूं, बस एक सेकंड हूं। देखिए ये बहुत बड़ी बात कही मुजफ्फर भाई ने, शेम जो है ना विक्टिम शेमिंग, विक्टिम को तुम, वो कह रहा है कि लड़के की गलती नहीं है, लड़का जोर कर वो कह लड़के की गलती नहीं, गलती तुम्हारी क्योंकि तुमने, लड़के ने अगर मान लीजिए दोनों के ऊपर ये है कि दोनों कपड़े जो है वो लूज कपड़े पहनेंगे, अपने अडॉर्नमेंट्स को नहीं दिखाएंगे, लड़के ने भी अगर उस समय नहीं पहने हुए हों तो वो कह रहा कि नहीं बस लड़की की गलती है। और ये जो मानसिकता है इसी वजह से जब कोई रेप कर देता है तो समाज डर जाता है, क्योंकि आपने पहले ही उसको बोल दिया कि यू आर द रीजन, यू आर द पर्सन हु हैज व्हाट यू कॉल इनसाइटेड रेप। ये जो बात कह रहे हैं ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, इसकी वजह से केसेस नहीं आएंगे डर के मारे, क्योंकि समाज लड़की को दोषी देगा। नहीं आते डॉक्टर साहब, नहीं आते केसेस, नहीं आते, पता होता है घर वालों को, पता होता है घर वालों के हमारी बच्ची के साथ इस तरह का काम हुआ है, केसेस नहीं लिए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का केस अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, आप नेट पे देखेंगे तो हजारों की तादाद में वहां पर जो वीडियोस बरामद हुई हैं, जो वहां के जो इंतजामिया के लोग थे वो मिलके, एक एमएनए था उसका बेटा भी इसके अंदर मुलव्वस था, और वो मिलके ये पूरा गैंग जो है वो लड़कियों के साथ रेप करता था, लेकिन वो नहीं बताते थे, वो शायद किसी एक लड़की ने हिम्मत की या कुछ ऐसे हुआ तो बाद में। अभी एक केस जो है वो लाहौर शायद कसूर के अंदर या कहीं ऐसे हुआ है, वहाँ पर भी ये था कि वो एक प्रिंसिपल था और उसने घर के अंदर ही स्कूल बनाया हुआ था अपनी अहलिया के साथ, मिसेज के साथ, और वहाँ पर जो लड़कियाँ आती थी उनके साथ भी रेप किया जाता, और उसमें से एक चंद लड़कियों ने अपने घर जाके बताया कि हमारे साथ रेप किया जा रहा है, वहाँ पर हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, लेकिन उनको घर वालों ने कहा कि नहीं तुमने किसी से बात नहीं करनी, तुमने इस चीज़ को जो बताना नहीं है। तो ये अब ये अलमिया है हमारे माशरे का यहाँ पर कि जो पूरा का पूरा ब्लेम जो है वो लड़की के ऊपर। मैं डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ मैं कि हमारे यहाँ पर इस तरह का अगर कोई काम हो जाता है, कोई रेप हो जाता है, तो लड़की को बोला जाता है कि नहीं नहीं तुमने किसी से बात नहीं करनी, घर वाले जो हैं वो पुलिस स्टेशन नहीं जाते, सिर्फ वजह यही है कि इसकी मज़ीद बदनामी होगी और कल को होना कुछ भी नहीं है। लड़के ने फिर वो दूसरे चौथे दिन उसकी जमानत हो जानी, उसने बाहर होना है, वो दोबारा से उसको ब्लैकमेल करेगा, तो ये केस होते नहीं, अव्वल तो फाइल होते ही नहीं, अगर फाइल हो भी जाए तो इसमें कोई सज़ा नहीं होती। इसलिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने बोला है कि आपको कानून के अंदर तो सज़ा नहीं मिलनी, तो आप बाद में ये है कि दो नफल पढ़ लें और वहाँ पर बैठ कर अल्लाह से तौबा कर लें और माफ़ी मांग लें कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा तो आपको माफ़ी मिल जाएगी। तो ये तो एक फ्री हैंड देने वाली बात है कि आपको एक तो कानून की तरफ से पूरी छूट है कि वहाँ पर आपको नहीं पकड़ा जाएगा, और दूसरी तरफ अगर आपको कोई थोड़ा डर खौफ है कि आपको मरने के बाद जो है वहाँ पर जो सज़ा और जजा का एक जो सिस्टम है मुसलमानों के अंदर, उसके अंदर भी आप बता रहे हैं कि जी आप जो मर्ज़ी कर लें, आपने कत्ल कर लिया कर लें, आपने किसी का रेप कर लिया कर लें, आपने जो किया है और आप माफ़ी मांगेंगे तो आपको बिल्कुल जो है वो अल्लाह माफ़ कर देगा, तो फिर पीछे रह क्या गया? इस तरह तो आप जो मर्जी करें, आपके मन में जो कुछ आता है, आपने रेप करना है, आपने कत्ल करना है, आपने जो करना करें, बाद में जाके माफ़ी मांग लें। तो ये मुझे इस चीज़ की, इस लॉजिक की समझ नहीं आती कि जजा और सज़ा का कानून फिर इस दुनिया में और आखिरत में क्यों रखा गया है कि जब यहाँ पर भी आपको कोई पूछने वाला ही नहीं और आगे जाकर भी आपको माफ़ी मिल जानी है, तो फिर तो ये माशरा जो है वो कहाँ जाएगा? ये तो फिर सारा का सारा एक जुनूनी माशरे के अंदर तब्दील हो जाएंगे, जो मर्जी जिसका दिल में चाहेगा किसी की लड़की को उठा के उसका रेप कर देगा, जिसको समझ नहीं आएगी उसकी गर्दन उतार देगा। तो मैं बिल्कुल भी मैं इस चीज़ के डॉक्टर जाकिर नाइक की जो बात है उसको डिनाई करता हूँ, और ये बिल्कुल उन्होंने जिस तरीके से बात की है ये एक माशरे को बिगाड़ने वाली बात है।
राइट राइट, बिल्कुल सही। और ये भी, ये डॉक्टर जाकिर नायक को ये भी पता होना चाहिए, जैसे आपने बोला कि 90% तो अनरिपोर्टेड है, जो 10% रिपोर्ट हो रहे हैं वो भी इस फिलोसफी से खत्म हो जाएंगे, तो रेप कैपिटल बनना ही पाकिस्तान में ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जाकिर नायक पाकिस्तान की सोसाइटी को कितना बिगाड़ेंगे ये देखना बाकी है, और कब तक बिगाड़ते रहेंगे और कब तक पाकिस्तान इस बकवास को झेलता रहेगा। दोनों हमारे गेस्ट का, मुजफ्फर चौधरी साहब और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।